टाइल्स में इस तरह के काले दाग हुए हैं धब्बे, देखिए ये, तो इसको कैसे क्लीन करेंगे मैं उसको बताती हूँ। देखिए किस तरह के हो जाते हैं धब्बे। टूथब्रश से, पुरानी टूथब्रश से इसको ऐसे इसमें लगा लीजिए और इस पे अप्लाई कर दीजिए, हार्पिक लगा लीजिए ऐसे, इसमें अप्लाई करके 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट हो गए हैं, मैं इसको, हमने जो हार्पिक लगाया था इसको इसे रगड़ के वॉश करके दिखाती हूँ, पहले इसको रगड़ लो थोड़ी। 5 मिनट हो गई है, वॉश कर, चलिए अब वॉश कर लिया, हमने इसको भी क्लीन किया। वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासी रेखा, लेट्स स्टार्ट कुकिंग एग बिरयानी। इंग्रेडिएंट्स मैं दिखा रही हूँ, चलिए देखिए क्या क्या मैंने, 5 अंडे थे मैंने बॉईल करके रखा है, और ये 3 प्याज, ये 2 लहसुन, 1 पिंच अदरक, 4 मिर्ची, 1/2 स्पून काली गोल की मीन्स काली मिर्च, नमक बड़ा चम्मच से, नमक तो अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, कश्मीरी मिर्च, तीखा लाल मिर्च बड़ा चम्मच से, ये हल्दी पाउडर, और ये बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला हमने ये घर में तैयार, इसकी भी वीडियोस में आप लोगों को तो को दूंगी, ठीक है। ये इंडिया गेट चावल है, हमने इस कटोरी से 2 कटोरी लिए है, देखिए ठीक है। इसको मैंने 10 मिनट पहले इसको सोक करके रख दिए हैं, बड़ा चम्मच से ये इतना कर्ड है, 2 तेज पत्ता, जावित्री, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, ये मसाला, ये मैं मसाला के साथ दूंगी, और ये रहा 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची, ये जावित्री, 2 तेज पत्ता, ये चावल के साथ मैं दूंगी। चलिए कर देती हूँ ताकि मसाला इसमें अच्छे से जाए। थोड़ी हल्दी, अच्छी कोटिंग आएगी, थोड़ी लाल मिर्च। अब इसको ऑयल में डाल के मैं फ्राई करूंगी। अच्छी गर्म हो गई है, हमने सरसों तेल डाला है, इसको फ्लेम को मैं लो कर देती हूँ। अब मैं फ्राई करना स्टार्ट करती हूँ। अच्छी कोटिंग आ गई है, हम निकाल देते हैं। 5 मिनट हो गई है, अब मैं राइस को इसमें डाल देती हूँ। अच्छी बॉइल्ड हो गई है, इसी के साथ मैं 1 चम्मच नमक डाल दे रही हूँ, और 1 बड़ी इलायची हमने इसको कूट लिया है, 2 हरी इलायची, ये जावित्री, 2 तेज पत्ता। मैं इसको 90% तक कुक करूंगी, 100% नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इसको स्टार्च निकालूंगी। एक बिरयानी के लिए मैंने स्लाइस प्याज को, 1 प्याज को कर लिया। देखिए मैं इसको पहले हीट कर लिया ऑयल को, अब मैं इसको फ्लेम को लो कर दी हूँ, लो करके तब इसको लो पे ही ब्राउनीज करिए। देखिए हमने इसको डाल दी है, हमने फ्लेम लो रखा है, देखिए हमने फ्लेम को लो रखा है, लो पे ही ब्राउन होगा, बिल्कुल हाई मत के, तो नहीं तो क्रिस्पी नहीं होगा, ऐसे क्रिस्पी होगा। अब ये तैयार हो चुकी है, मतलब तैयार 90% हो चुकी है, अब मैं इसका स्टार्च निकाल दूंगी। मैं, हमारी बिरयानी ये तैयार हो गई, देखिए बहुत ही क्रिस्पी हुई है। अब हमने गैस को पूरी लो फ्लेम पे इसको तैयार किया, देखिए अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ, देखिए बहुत ही क्रिस्पी हुई है। देखिए इसको बिरयानी पे मैं स्प्रिंकल करूँगी, देखिए
बहुत ही क्रिस्पी है, ये बहुत क्रिस्पी। देखिए हमें बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। दो चम्मच हमने घी डाला है, इसमें मैं जीरा का तड़का दे रही हूँ, दो तेज पत्ता, गैस को लो कर रही हूँ, जावित्री, दो हरी इलायची, एक बड़ी इलायची, हमने इसको तोड़ लिया है। अभी तड़का हो गई, इसी के साथ मैं अब दो स्लाइस प्याज है तो मैं डाल दूँ। अब तो इसी के साथ मैं अदरक, लहसुन, दो हरी मिर्च डाल देती हूँ। अब इसके साथ मैं भूनूंगी अदरक। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा भुना चुका है। अब इसी के साथ मैं मसाला को भी ऐड करूंगी। लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, नमक तो हमने चावल में भी ऐड किया है तो इतना एक चम्मच होगा ये। मैं इसको चार पांच दाना ये गोल मिर्च है, काली मिर्च, काली मिर्च। और ये हमारा है बिरयानी मसाला। ये हमने घर में इसको खुद तैयार किया, इसमें सारी चीज़ें, मिर्ची है, धनिया पाउडर, सारी मसाला है इसमें। ये हम मैं इसमें ऐड करती हूँ, इसका भी वीडियो मैं आप लोगों को दूंगी। इसी के साथ ये दही है इसी चम्मच से, अब इसको लगातार चलाती रहूंगी। का पाउडर हमने तैयार किया है, इसमें बहुत डिफरेंट टेस्ट आएगी। इतना समय जायफल का पाउडर हमने घर में तैयार किया, इससे बिरयानी में देने से बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आएगी। ऐसे भी मैंने स्पेशल बिरयानी, आज एक बिरयानी बनाने जा रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट तरीकों से। अब थोड़ी सी पानी डालती हूँ, भून चुकी है मसालों। देखिए मसाला भून चुकी है, थोड़ी सी और पानी में सुखाती हूँ। हाँ, अब मैं इसी के साथ अंडा को डाल रही हूँ। ठीक है, काजू है, चार पांच काजू है। अब इसी के ऊपर मैं चावल को डाल दे रही हूँ। केसर, केसर को हमने मिल्क में सोक किया, उसको मैं ऐड कर रही हूँ। ये घी भी ऊपर से दे देती हूँ, घी में तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ। ये बिरयानी को देखिए कितनी क्रिस्पी है, देखिए देखिए। मैं इसको ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी। हमारे पास टमाटर नहीं है तो मैं टमाटर को भी डालती हूँ, उस पर से आप ये दे दीजिए। धनिया पत्ता। अब इसको दम देने के लिए मैं 8 से 10 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी। हमने लीड को लगा दिया है, देखिए फ्लेम को हमने लो रखा है। देखिए 8 से 10 मिनट के लिए इसको मैं दम देने के लिए रखा है। हमारी बिरयानी में दम आ गई, हमने गैस को ऑफ कर दिया। देखिए कितनी अच्छी तैयार हुई है, बहुत सिंपल रेसिपी। देखिए अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। एक बिरयानी। हेलो, आज की मेरी वीडियो एंड एक बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, एंड जो लोग भी नए होंगे वो भी सब्सक्राइब करेंगे एंड
बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि आप तक नए नए वीडियोज एंड नई नई रेसिपी मिलती रहे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।